ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर जाट नेता काफी नाराज है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी। संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता हैं। बालियान मुजफ्फरनगर सीट से दूसरी बार बीजेपी के सांसद भी हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल है बालियान जी, और उसका जवाब आप दें कि संसद जिस तरह से उपराष्ट्रपति की नकल उतारी गई और राहुल गांधी उसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे, उसको लेकर आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? मैं इस मुद्दे को इस तरह देखता हूं कि एक तो संवैधानिक पद पे हैं, एक बिल्कुल आम किसान परिवार से धनखड़ साहब बिलोंग करते हैं, अपने दम पे वकील बने, बड़े वकील रहे हैं, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, विधायक रहे, राज्यपाल रहे, उपराष्ट्रपति। संवैधानिक पद पे किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, तो एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति वो जो बुजुर्ग हैं उनका इस तरह से अपमान करना बहुत ही गलत बात है। शायद संस्कार नहीं है उन लोगों के जो इस बात को समझ सके। मजाक और मिमिक्री अपने साथ वालों के साथ की जाती है, जो दोबारा भी कर सके। अगर इतना ही शौक है राहुल गांधी का कल्याण मंडल तो हमारे साथ कर ले, हम जवाब दे भी देंगे उसे। इस तरह से व्यवहार बहुत ही गलत है। लेकिन यह भी है कि इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि 146 सांसदों का निष्कासन हुआ। क्या आपको लगता है ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है इसको लेकर? देखिए, जब नई पार्लियामेंट बनी थी सभी पार्टियों की मीटिंग हुई थी, जिसमें कहा था कि प्ले कार्ड लेकर नहीं आने, वेल के अंदर नहीं आना, एक सैद्धांतिक रूप से सबके बीच में बात आई थी। फिर ये सेशन चला, इस सेशन में लगातार आप देखते रहे, वेल में भी गए, प्ले कार्ड दिखाए गए, बड़े महत्वपूर्ण बिल आने थे देश की कानून को लेकर, आजादी के बाद अंग्रेजों के जमाने के कानून बदलने थे, तो एक अगर संसद चलानी थी तो कोई तरीका और दिखाई नहीं दिया। बड़े प्रयास हुए हैं कि भाई सब बैठ के अपनी बात रखें, शायद उन्हें कोई बात नहीं रखनी थी, तो संसद चलाने का शायद कोई और तरीका नहीं रहा होगा उनके पास, स्पीकर के पास और वाइस प्रेसिडेंट के पास, मुझे लगता है। लेकिन आप लोगों की तरफ से जरूर यह कहा गया है कि संसद चलाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन कई जाट संगठन अब उपराष्ट्रपति जी के अपमान को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष से इसको लेकर माफी की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष तो बैकफुट पर आएगा जब इस तरह की हरकत करेगा, और मैं तो शायद कोई मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, वे तो लोगों का दबाव सुनेंगे, और माफी मांगनी तो उपराष्ट्रपति से जाके मांगे, एक टांग पर खड़े होकर मांगे, जैसे भी करनी, माफ करेंगे तो वो करेंगे, कोई हम तो माफ करने की स्थिति में उसमें है नहीं। लेकिन जो भी हुआ वो गलत है, और दुख की बात यह है कि गलत काम करने के बाद भी उसे डिफेंड करने का प्रयास किया जा रहा है। ये नहीं कि भाई उस काम को उनके मन में यही कहीं दिखाई नहीं देता कि उनसे ऐसा लगता होगा गलती हुई। लेकिन संजीव बालियान जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है, क्योंकि क्या इस प्रकरण के बाद जाट और किसान वर्ग जो है वो विपक्ष से दूर हो जाएंगे और बीजेपी के पास चले आएंगे? देखिए, हर चीज को कोई चुनाव से जोड़ना जरूरी भी नहीं होता, चुनाव अभी 3 महीने बाद है, चुनाव में और मुद्दे होंगे, लेकिन हाँ सबके मन में जरूर है कि भाई जो हुआ है गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने बुजुर्गों का संस्कृति हमारी ऐसी है कि सम्मान देना ही होता है, और हमारे यहाँ तो गांव में एक है कि किसी के बुजुर्ग को कुछ कह दो तो कहीं पीढ़ी नहीं भूलता, तो कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो इन तरह की संस्कृति, इस तरह की चीजों में हम बड़े हुए हैं, ये बड़े बाप के बेटे हैं, इनके दादा परदादा प्रधानमंत्री रहे हैं, ये उस संस्कृति को ना जानते ना पहचानते ना ये मेहनत करके आगे बढ़े हैं, तो ये सोच में बड़ा अंतर है। बिल्कुल, आप तो मान अपमान से जोड़ रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं का कहना है कि हमने तो सिर्फ मिमिक्री की थी, इसको बीजेपी अपमान का मुद्दा बनाकर पेश कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग निलंबन और बेरोजगारी पर चर्चा से डर रहे हैं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। पहली बात तो बीजेपी ने पेश नहीं किया, स्वयं उपराष्ट्रपति बहुत आहत हुए और जिस तरह की बातें उन्होंने कही वो सबको विचलित करने वाली थी, तो हमने नहीं, उपराष्ट्रपति खुद इसमें आहत हुए हैं बहुत ज्यादा इस बात से, तो हमने नहीं बनाया, उपराष्ट्रपति की वजह से उसके बाद लोगों में इस बात का रोष है, इसलिए बनाया। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत आभार। और उपराष्ट्रपति के अपमान पर सियासी संग्राम जारी है, बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, तो जाट समाज के लोग भी माफी की मांग कर रहे हैं। इस बीच विपक्षी नेता मिमिक्री कांड से अलग निलंबन का मुद्दा उठा रहे हैं और इस पूरे विवाद को जाति का रंग भी दे रहे हैं। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं,
खून की घूंट पीता हूं। मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। संविधान पद का और आपका अपमान किया है तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी, राहुल गांधी होश में। जो लड़ाई संसद से शुरू हुई थी, जिसे मुद्दा संसद परिसर में बनाया गया, अब उस अपमान की आग सड़कों तक पहुंच चुकी है। बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है और निशाने पर राहुल गांधी है। चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर मिमिक्री मास्टर टीएमसी सांसद, तीनों माफी से इनकार कर रहे हैं और सफाई में निलंबन को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन अब इसी इनकार पर सियासी तकरार जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू। ये केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। तो याद रखिए, यह केवल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारत की बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है, उन तमाम बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग हो रही है जो हम अपने घरों में देखते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय का मिमिक्री, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति ये भाव, अब ये देश की जनता भी इनको जवाब देगी और देश का संविधान भी इनको जवाब देगा। ये राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो या अलायंस हो, उनके अलायंस के कई घटक दलों ने जो उपराष्ट्रपति महोदय का, जो एक किसान का बेटा है, जो एक समाज का बहुत सम्मानित व्यक्ति है, ये किसानों का भी अपमान है, उनके समाज का भी अपमान है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।